बेटा तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बेटा तुम्हें जब भी वापस जाना हो ना हमको बता देना, हम खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने चलेंगे। तुम्हारे पापा से भी तो हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहते हैं हम। जी बड़े पापा, हम कल रात मलियाबाद चले जाएंगे। वो नए पासपोर्ट बनाने का प्रोसेस भी शुरू करना है। छोटे की बहू, पासपोर्ट जला के तूने लंदन जाने से तो रोक लिया, लेकिन आज नहीं तो कल इस घर में तो नहीं रुकेंगे। तलाक हो गया है ना इसका? फिर क्या करोगी? देखिए, हम कृष्णा को सब कुछ बता देंगे। 20 साल पहले इस घर में जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता देंगे। तब चीजें अंजाम तक नहीं पहुंची थी ना, लेकिन अब अंजाम तक पहुंचेंगी। कृष्णा पहुंचाएगी अंत तक। कृष्णा पहुंचाएगी। उम्र के साथ बौरा गई हो तुम, बता दो सब कुछ। अब फिर जब हम अपना सामान वापस मांगेंगे, काट के कलेजा अपना दे पाओगी? छोटे की बहू, दे पाओगी? जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, छोड़ ला हूँ जी। आपको बिस्किट वगैरह कुछ ला दे। मम्मी जी आप परेशान लग रही है, रात को आपने खाना भी नहीं खाया, क्या हुआ है? नहीं नहीं, हम कहाँ परेशान हैं, कुछ भी तो नहीं। पता नहीं तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है। वो बहुत जलन, नहीं मतलब एसिडिटी हो रही थी, इसीलिए हमने खाना नहीं खाया। तुम बताओ कृष्णा, नहीं मतलब क्या करोगी पासपोर्ट का? देखिए मम्मी जी, हम जानते हैं कि आप हमसे कुछ छुपा रहे। मम्मी जी, क्या हम पे आप थोड़ा सा भी भरोसा नहीं करते कि अपने मन की बात हमें बता सके? हम तुम्हें बता देंगे तो कृष्णा, पता नहीं तुम क्या सोचोगी, क्या करोगी। देखिए मम्मी जी, हम नहीं जानते कि हम क्या कर पाएंगे और क्या नहीं,
और शायद आपका मन हल्का हो जाए। हम कृष्णा को सब कुछ बता देंगे। बता दो सब कुछ। जब हम अपना सामान वापस मांगेंगे, काट के कलेजा अपना दे पाओगी? बोलिए ना मम्मी जी, क्या खाए जा रहा है आपको अंदर से? गज्जू के पापा ने मतलब उनसे बात नहीं हो पाई ना, और कल करवा चौथ भी है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि करवा चौथ पे गज्जू के पापा ना हो हमारा व्रत खुलवाने के लिए। हम जानते हैं उन्होंने लल्लिया के साथ ठीक नहीं किया, लेकिन हैं तो हमारे पति ही ना। अब ये बात हम सबसे कैसे कहें कृष्णा, सब तो उनसे गुस्सा है ना, लेकिन हमने तो जीवन भर उनका साथ दिया, भूल थोड़ी ना जाएंगे उन्हें ऐसे मौके पे। बस इसीलिए किसी से कुछ कह नहीं रहे थे। मम्मी जी, ये व्रत हमने कभी नहीं छोड़ा, आप समझाइए ना इन्हें। एक बार व्रत रखने से हमें कुछ हो नहीं जाएगा। साल में एक ही बार आता है करवा चौथ का व्रत। अरे मम्मी जी समझाइए इसे। इतनी तबीयत खराब है, अगर तुम्हारा ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? इस साल अगर व्रत नहीं रखोगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। हमें तो ये भी नहीं पता कि ये व्रत रखने के लिए अगले साल हम होंगे भी या नहीं। आप हमसे हमारा हक मत छीनिए। देखो तुम कुछ भी अनाप शराब मत कहो, हम तुमसे कह दे रहे हैं। लिलिया, सारी जिंदगी तुमने हमारे लिए व्रत रखा है, इस बार एक पति से ज्यादा एक पत्नी को उसके साथ की जरूरत है, उसकी दुआओं की जरूरत है। तुम शाम की पूजा की तैयारी करो, तुम श्रृंगार करो, हमें सब मंजूर है, लेकिन इस बार हम व्रत रखेंगे तुम्हारे लिए। तुम बैठो। मम्मी जी, एक बहू तो ऊपर मुंह फैला के सो रही है, सुबह उठ के ठूसेगी खूब। नहीं वो कहा है ना, उसको तो राधे भैया के लिए व्रत रखना ही नहीं है। और मम्मी जी, दूसरी बहू की तबीयत खराब है तो उन्हें भी व्रत नहीं रखना। तो हम क्या कह रहे हैं कि आप दो के साथ एक फ्री कर दीजिए, हम भी नहीं रखते हैं व्रत। तो इस बार नए तरीके का करवा चौथ मना लेते हैं, क्या कहते हैं सब? बेला, अरे अति बुद्धि, कुछ रिवाज होते हैं कि नहीं होते हैं? हैं? इतना भी नहीं मालूम? ये अपनी पति की खुशी के लिए व्रत नहीं रख सकती तुम? आई बड़ी राधे, जे टोकरी से फल निकालो और धोकर लेकर आओ हमारे लिए। you
बहू तो ऊपर मुंह फैला के सो रही है, सुबह उठ के ठूसेगी खूब। नहीं वो कहा है ना, उसको तो राधे भी अगले व्रत रखना ही नहीं है। हम जानते हैं उन्होंने लल्लिया के साथ ठीक नहीं किया, लेकिन हैं तो हमारे पति ही ना। अजीब सा लग रहा है। अब देखो पहली बार कर रहे हैं तो तुम हमारा साथ देना, वरना हम तो धराशायी हो जाएंगे। थोड़ा पानी ला दोगी? हाँ भाई राधे लाल बाहर आ जाओ। क्या भाई राधे लाल, क्या बात है, इतनी देर से छुपकर क्या देख रहे थे? अब नहीं भैया। और ये सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गए, क्या हो गया? नहीं भैया वो हम सोच रहे थे कि जैसे आपने अपनी पत्नी के लिए व्रत रखा है वैसे इस बार हम भी रखेंगे। नहीं जरूरी नहीं है ना कि हमेशा पत्नी व्रत रखे। साले तुम्हें कंटाप मारेंगे हम, इतनी अच्छी लड़की के साथ तुम निभा नहीं पाए, बेवकूफ कहीं का। भैया उसी अच्छी लड़की को तो मांगेंगे करवा चौथ पे। भैया बस आप किसी से कहिएगा मत। वो क्या है ना कि अगर कृष्णा को पता चला तो वो बुरा मान जाएंगे। भकोस लिए तुमने कृष्णा और इमोशनल होकर व्रत भी रख ली, अब सारा दिन भूखी रह पाओगी? भगवान प्लीज हेल्प कर देना। अरे छोटे की बहू, हमने तो कही थी बेला से चाय लाने के लिए, तुम क्यों परेशान होने लगी? देखिए आपको जो कुछ भी चाहिए ना हमसे कहा कीजिए, हमारी बहुओं से कुछ भी कहने की कोई जरूरत ना है। ओहो ये लीजिए चाय। थैंक यू। सुनो कुछ सोचा तुम? क्या करोगी जब कृष्णा यहां से चली जाएगी? बहुत अकेली पड़ जाओगी। हाँ, हमने कागज पे एक लिस्ट मांगी थी, अब तक हमारे पास आई नहीं। क्या है छोटी की बहू कि सब कुछ सिस्टम से हो तो ज्यादा अच्छा है, वरना हम जो हाल कर सकते हैं सबका जानती हो। मम्मी जी
मम्मी जी बहुत परेशान है बड़े पापा, हमें उनकी बात समझ आ रही है, दिख रहा है कि वो क्यों परेशान है। पापा जी जब से गए हैं मम्मी जी को एक फोन तक नहीं किया। और आज करवा चौथ है, पता नहीं वो आज शाम तक आएंगे या नहीं। बड़े पापा आप एक बार बात करवाइए ना उनसे। अरे इतनी सी बात थी, हमें बोल देती छोटे की बहू। अभी फोन करते हैं। बहुत अजीब आदमी हो तुम। हाँ घर से क्या गए तो सब भूल गए। यहाँ घर में सब परेशान हो रहे हैं तुम्हारे। बहू परेशान हो रही है, छोटी बहू परेशान हो रही है, सब बताना तो चाहिए, बात तो करना चाहिए। ये लो बात करो, लो ये लो बात करो। हेलो हेलो सुनिए, हेलो कट गया क्या? फिर से लगाते। मम्मी जी हम ट्राई करते रहेंगे, आप परेशान मत होइए, जैसे ही फोन लगेगा हम आपकी बात करवाएंगे। चलिए अभी परेशान हुई कहाँ है छोटे की बहू, तू चले जाओ कृष्णा बहू, तो फिर दिखाते हैं कि परेशानी होती क्या है। चांद भी ना पूरे नखरे दिखा के ही निकलता है। अरे और कुछ नहीं होगा ना तो हम इंटरनेट पर चांद को देख लेंगे और अपना व्रत खोल देंगे। हाँ, अच्छा बैठो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।